आज जो तारीख हो चुकी है 22 अप्रैल, आज एक बार फिर से आईपीएल को लेकर, सभी अपनी टीमों को लेकर, क्रिकेटिंग जगत को लेकर कुल 10 बड़ी खबरें और 10 बड़े अपडेट्स निकल कर आए। मैं इस वीडियो आपके साथ डिस्कस करूंगा आपको सभी 10 बड़ी खबरों के बारे में। इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा तो कुल मिलाकर काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होगी, तो आप इस वीडियो को अंत जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी ये क्रिकेट के बड़े फैन तो हमारी इस वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको क्रिकेट से जुड़ी जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। अब हम बात करते हैं सभी 10 बड़ी खबरों की, तो जो सबसे पहले बड़ी खबर निकल कर आती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। दरअसल 3 से 4 दिन पहले दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से यहां पर लगभग 17-18 बल्ले, इसके साथ ही लगभग यहां पर 4 से 5 पैड गायब हुए थे। इसके साथ ही यहां पर सनग्लासेस, इसके साथ ही काफी सारी बॉल्स यहां पर गायब हुई थी। कुल मिलाकर यहां पर दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से या तो होटल से ये सब कुछ चोरी हुआ था या फिर बस ड्राइवर द्वारा ये सब कुछ चोरी किया गया था। इसके साथ ही अब यहां पर चोरी की कंप्लेन दिल्ली कैपिटल्स के ओनर्स ने यहां पर 2 दिन के अंदर अंदर रजिस्टर्ड कर दी थी। अब कल यहां पर दिल्ली पुलिस ने अब दिल्ली कैपिटल्स के कैंप से जो जो यहां पर सामान चोरी हुआ था वो टोटली अब रिकवर कर दिया। आप अपनी स्क्रीन पर फोटो और वीडियो देख पा रहे होंगे। डेविड वॉर्नर ने अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डालकर यह बताया कि दिल्ली कैपिटल्स के यहां पर कैंप से जो बल्ले, जो ग्लव्स जो चोरी हुए थे वो यहां पर टोटली रिकवर हो चुके। हालांकि कुछ यहां पर बल्ले यहां पर चोर द्वारा बेच दिए गए, लेकिन यहां पर मोस्टली 90% यहां पर बल्ले अब रिकवर हो चुका। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या दिल्ली कैपिटल्स की टीम को यहां पर चोर का नाम, चोर की आखिर आइडेंटिफाई यहां पर रिवील करनी चाहिए या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर दूसरी बड़ी खबर की, तो दूसरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है जोफर आर्चर की तरफ से। दरअसल 4 लगातार मुकाबले मिस करने के बाद फाइनली अब यहां पर जोफर आर्चर आज होने वाले मुंबई और पंजाब के मुकाबले के लिए अब टोटली अवेलेबल है। आज के मुकाबले के लिए यहां पर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी जोफर आर्चर को परमिशन दे चुका है। इसके साथ ही जोफर आर्चर आज का मुकाबला खेलने के लिए टोटली अवेलेबल है, तो मुंबई के लिए बड़ी खुशखबरी की हो सकता है जोफ्रा आर्चर हमें खेलते हुए देखे। जोफ्रा आर्चर अगर खेलते तो मुंबई की गेंदबाजी और अधिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, लेकिन मुंबई के लिए समस्या है कि मुंबई के लिए यहां पर टीम डेविड इनफॉर्म है, कैमरॉन ग्रीन इनफॉर्म है, इसके साथ ही जेसन मेरेंडोप और यहां पर मेरेडिथ भी इनफॉर्म है, तो किसी भी विदेशी खिलाड़ी को चाहकर भी मुंबई की टीम बाहर नहीं बिठा पाएगी। वैसे आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या मुंबई को आज आर्चर को खिलाना चाहिए या फिर नहीं, और अगर आर्चर को ये टीम खिलाती है तो कौन से प्लेयर की जगह खिलाना चाहिए, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात करते हैं यहां पर तीसरी बड़ी खबर की, तो तीसरी बड़ी खबर निकल कर आते होते गुजरात टाइटंस की तरफ। दरअसल गुजरात टाइटंस का आज दोपहर में काफी इंपोर्टेंट मुकाबला यहां पर लखनऊ के खिलाफ होगा। इस मुकाबले से पहले अब गुजरात के लिए बुरी खबर, इस मुकाबले में यहां पर गुजरात के ऑलराउंडर जोश लिटिल अब यहां पर खेलते हुए नहीं दिखेंगे, यहां पर अपनी माइनर इंजरी के चलते हुए ये अपकमिंग 3 मुकाबलों के लिए यहां पर बाहर हो चुके। अपकमिंग 3 मुकाबलों में ये गुजरात के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे, तो गुजरात के लिए बुरी खबर है कि जोश लिटिल अब इस टीम के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। वैसे भी गुजरात का ओवरऑल काफी अच्छा परफॉर्मेंस है, तो इस टीम को इतनी अधिक वैसे समस्या ना हो। और इसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स की टीम भी अब आजकल में यहाँ पर कमलेश नागरकोटे की रिप्लेसमेंट भी अनाउंस करने वाले। हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम रिप्लेसमेंट, इसके साथ ही क्रिकेट से जुड़ी सारी खबरें सबसे पहले वहां पर हम प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ ही काफी सारे गिव अवेज भी वहां पर मिलते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलकर हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर से ज्वाइन कर लो। और आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या गुजरात टाइटंस की टीम पिछले साल की तरह इस साल भी आईपीएल जीत सकती है या फिर नहीं। अब बात करते हैं चौथी बड़ी खबर की, तो चौथी बड़ी खबर निकल कर आती होती है मुकेश चौधरी की तरफ से। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर मुकेश चौधरी की फोटो देख पाएंगे, जहां पर कल यहां पर चेन्नई का मुकाबला देखने यहां पर चेन्नई के होम ग्राउंड में आए थे। आप अपनी स्क्रीन पर फोटो और वीडियो देख पा रहे होंगे। हालांकि खबर यह है कि यहां पर चेन्नई के लिए हो सकता है कि प्लेऑफ्स के मुकाबलों से पहले ये फिट होकर अवेलेबल भी हो जाए, और अगर ये फिट होकर अवेलेबल होते तो चेन्नई के लिए काफी बड़ी खुशखबरी रहेगी। एक तरीके से चेन्नई के लिए यहां पर प्लेऑफ्स में दीपक चेर एक तरफ से गेंदबाजी करेंगे, एक तरफ से मुकेश चौधरी यहां पर गेंदबाजी करेंगे, एक तरफ से यहां पर पति राणा गेंदबाजी करेंगे, तो कुल मिलाकर काफी स्ट्रॉन्ग इस टीम की गेंदबाजी हो जाएगी। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग अगर मुकेश चौधरी और दीपक चेर यहां पर कमबैक कर लेते तो ये टीम आईपीएल जीत सकती है या फिर नहीं। अब हम बात करते हैं यहां पर पांचवी बड़ी खबर की, तो पांचवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है रोहित शर्मा की तरफ से। दरअसल रोहित शर्मा को अब जियो सिनेमा का यहां पर नया ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया, जहां पर इससे पहले सचिन तेंदुलकर, सूर्या कुमार यादव और एमएस धोनी ऑलरेडी यहां पर जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर है। अब यहां पर रोहित शर्मा भी इस लिस्ट में एड हो चुके हैं, तो यहां पर अब रोहित शर्मा भी यहां पर जियो सिनेमा की हमें एडवर्टाइजमेंट करते हुए दिखेंगे। तो कुल मिलाकर अब सचिन, इसके साथ ही सूर्या कुमार यादव और एमएस धोनी के बाद अब रोहित शर्मा भी यहां पर जियो सिनेमा की हमें यहां पर यूनिक एडवर्टाइजमेंट में दिखेंगे। वैसे जियो सिनेमा पर इस साल यहां पर व्यूवर्स का आईपीएल देखने का एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा। आप कमेंट करके बताइए आपका आखिर जियो सिनेमा पर कैसा एक्सपीरियंस रहा। अब बात करते हैं छठी बड़ी खबर की, तो छठी बड़ी खबर निकल कर आते होते आईपीएल 2023 के एडिशन के सबसे बड़े सक्सेस को लेकर। दरअसल इस आईपीएल एडिशन में अब तक यहां पर केवल 29 मुकाबलों में हमें यहां पर 100 मीटर से अधिक काफी अधिक छक्के देखने को मिले। अब बात करते हैं आईपीएल एडिशन
कॉम्पिटिशन के आखिर पांच कौन से यहाँ पर सबसे बड़े छक्के, तो इनमें सबसे पहले नंबर पर नाम आता है फेफ डुप्लेसिस का। फेफ डुप्लेसिस ने 115 मीटर का चिन्ना स्वामी में छक्का लगाया था। इसके बाद नाम आता है जोस बटलर का, तो जोस बटलर ने सवाई मानसिंह स्टेडियम में 112 मीटर का छक्का लगाया था। इसके साथ ही शिवम दुबे ने बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी में यहाँ पर 111 मीटर का छक्का लगाया था, और आंद्रे रसल ने 109 मीटर का छक्का लगाया था। तो ये चार बड़े छक्के इस आईपीएल एडिशन के अब तक यहाँ पर लिस्ट में टॉप पर है। वैसे आप कमेंट करके बताइए कि टूर्नामेंट के आखिर में कौन से प्लेयर का यहाँ पर इस आईपीएल एडिशन का सबसे लंबा छक्का रहेगा, और अब भी यहाँ पर कौन सा प्लेयर है इस रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, फेफ डुप्लेसिस से आगे निकल सकता है, आप कमेंट जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सातवीं बड़ी खबर की। तो सातवीं बड़ी खबर निकल कर आती है आज होने वाले आईपीएल के मुकाबलों को लेकर। दरअसल आज शनिवार के दिन एक नहीं बल्कि हमें दो आईपीएल के मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहां पर दोपहर में लखनऊ और गुजरात की टीम यहाँ पर लखनऊ के स्टेडियम में यहाँ पर आमने सामने होगी। लखनऊ के यहाँ पर इकाना स्टेडियम में ये दोनों टीम आमने सामने होगी, जबकि शाम को मुंबई और पंजाब के बीच हमें यहाँ पर वानखेड़े से मुकाबला देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर आज दो काफी इंपोर्टेंट मुकाबले होंगे। जो भी टीम यहाँ पर मुकाबले जीतेगी वो टीम यहाँ पर प्लेऑफ्स पॉइंट टेबल के टॉप पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही प्लेऑफ्स में जाने के उनके चांसेस भी काफी हाई हो जाएंगे। आप कमेंट करके बताइए आज के दोनों मुकाबलों में कौन सी टीमें मुकाबले जीत रही है, आप कौन सी टीमों को आखिर सपोर्ट कर रहे हो। बात कर लेते हैं यहाँ पर आठवीं बड़ी खबर की। तो आठवीं बड़ी खबर निकल कर आती है आईपीएल 2023 के एडिशन की पॉइंट टेबल को लेकर। दरअसल यहाँ पर आईपीएल के 29 मुकाबलों के बाद आप अपनी स्क्रीन पर आईपीएल की नई और लेटेस्ट पॉइंट टेबल देख पाओगे, जहां पर नंबर एक पर अब भी राजस्थान की टीम है, नंबर दो पर 8 पॉइंट के साथ लखनऊ की टीम है, नंबर तीन पर 8 पॉइंट के साथ चेन्नई की टीम है। तीनों टीमें बराबर पॉइंट्स के साथ है, जबकि चौथे नंबर पर यहाँ पर गुजरात की टीम है, पांचवें नंबर पर आरसीबी की टीम है, छठे नंबर पर मुंबई की टीम है, सातवें नंबर पर पंजाब किंग्स है, आठवें नंबर पर कोलकाता, नवे नंबर पर हैदराबाद और दसवें नंबर पर दिल्ली कैपिटल्स की टीम है। तो यहाँ पर हैदराबाद जिसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स के लिए समस्या बढ़ रही है, इसके साथ ही कोलकाता, इसके साथ ही पंजाब को भी अब मुकाबले जीतने होंगे। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग एट द एंड कौन सी चार टीमें आखिर प्लेऑफ्स में रहेगी, और सबसे पहले कौन सी दो टीमें प्लेऑफ्स की रेस से आखिर बाहर होगी, आप अपनी प्रेडिक्शन कमेंट जरूर करें। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर नवी बड़ी खबर की। तो नवी बड़ी खबर निकल कर आती होती है अप्रैल 2023 के एडिशन के प्लेऑफ्स के शेड्यूल को लेकर। दरअसल कल बीसीसीआई ने यहाँ पर प्लेऑफ्स का शेड्यूल, प्लेऑफ्स की वेन्यूज यहाँ पर रिवील कर दिए। प्लेऑफ्स का यहाँ पर टोटली फिक्चर अब हमारे सामने आ चुका है, जहाँ पर प्लेऑफ्स अब 23 मई से शुरू होंगे। 23 मई से लेकर 28 मई तक हमें प्लेऑफ्स के मुकाबले देखने को मिलेंगे, जहाँ पर 23 मई को क्वालिफायर वन होगा, जहाँ पर पॉइंट टेबल की नंबर एक और नंबर दो टीम के बीच हमें यहाँ पर क्वालिफायर वन देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पर चेन्नई के होम ग्राउंड में हमें देखने को मिलेगा, यानी चेन्नई में देखने को मिलेगा। 24 मई को एलिमिनेटर मुकाबला होगा, जो कि पॉइंट टेबल की नंबर तीन इसके साथ ही नंबर चार टीम के बीच होगा, वो भी चेन्नई में मुकाबला होगा। इसके बाद 26 तारीख को यहाँ पर क्वालिफायर टू मुकाबला होगा, जो क्वालिफायर वन में हारी हुई टीम होगी, इसके साथ ही जो एलिमिनेटर में जीती हुई टीम होगी उन दोनों के बीच यहाँ पर 26 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में यहाँ पर क्वालिफायर टू हमें देखने को मिलेगा, जबकि 28 मई को आईपीएल का फाइनल होगा, जो वो भी यहाँ पर अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हमें देखने को मिलेगा। तो कुल मिलाकर इस प्रकार से आईपीएल के यहाँ पर प्लेऑफ्स के यहाँ पर शेड्यूल रहेंगे। तो कुल मिलाकर अब प्लेऑफ्स अब ऑलमोस्ट केवल एक महीना दूर है, यहाँ पर प्लेऑफ्स में केवल लगभग एक महीने का समय। तो आप प्रेडिक्शन करेंगे आपके अकॉर्डिंग आखिर 23 तारीख को कौन सी टीम मुकाबला खेलेगी, 24 तारीख को आखिर कौन सी टीम मुकाबला खेलेगी। अब बात कर लेते हैं दसवीं और आखिरी बड़ी खबर की। तो दसवीं और आखिरी बड़ी खबर निकल कर आती होती है बेन स्टोक्स की तरफ से। दरअसल चेन्नई के लिए बड़ी खुशखबरी, चेन्नई की टीम ने यहाँ पर लगातार मुकाबले जीत कर ऑलरेडी काफी अच्छा कमबैक किया। अब इस टीम के लिए बड़ी खुशखबरी कि अगले मुकाबले से अब बेन स्टोक्स इस टीम के लिए सिलेक्शन के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। बेन स्टोक्स अब फिट हो चुके हैं, अगले मुकाबले में अभी अवेलेबल होंगे, लेकिन हो सकता है कि जिस प्रकार से चेन्नई का फॉर्म चल रहा है, जो ओवरसीज प्लेयर सेटल हो चुके हैं, तो शायद बेन स्टोक्स को ये टीम डायरेक्टली प्लेइंग 11 में जगह ना दे, डायरेक्टली शायद बेन स्टोक्स की अब स्ट्रेट वे जगह ना बन पाए। आप कमेंट करके बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या बेन स्टोक्स की चेन्नई के लिए अगले मुकाबले में यहाँ पर प्लेइंग 11 में आखिर जगह बन पाएगी या फिर नहीं। इसके साथ ही हमारी इस वीडियो कर लाइक और चैनल को जरूर करें सब्सक्राइब।